आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथ राज परमान प्रकाश में जीवादि तत्वों की प्रूपण करते हुए समझा रहे हैं। जीव तत्व, जीव द्रव्य सहज आनंद भूत है, सर्व कर्मों से रहित निरंजनी भूत है, कर्म सापेक्षता आत्म क्लेश का कारण है, कर्म सापेक्षता आत्म क्लेश का कारण है। एकदम साधक, एकदम साधक पूर्ण स्थिर होकर के जो शांत चित्त से बैठता है, शरीर में रह करके ही द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम की सत्ता में स्थित होकर भी कर्म शून्य का वेदन करता है जब, तो उस जीव को जिनका चैतन्य भगवान आत्मा का वेदन होता है, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का वेदन करता है जीव, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का वेदन करता है जीव। पुनः पुनः सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का वेदन करता है जीव, परोक्ष आत्मा से नहीं, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का वेदन करता है। कर्म सापेक्षता के कारण ज्ञान अशुद्ध है, कर्म सापेक्षता के कारण सावरण है, कर्मजन है, प्रतिबंध को प्राप्त है, प्रतिबंध को प्राप्त है, सावरण है, प्रतिबंधक कारणों से युक्त है, फिर भी ज्ञान आत्मा का ही गुण है। इस पर लक्ष्य ले जाइए, परोक्ष ज्ञान कहने से ऐसा परोक्ष मत समझ लेना सह्याचल विन्याचल, परोक्ष से तात्पर्य ऐसा मत समझ लेना सह्याचल विन्याचल, इंद्रिय मन की सहायता से होने के कारण परोक्ष है। सभी मुमुक्षु ध्यान दो, मति सुत ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है इसलिए परोक्ष है, न कि ऐसे परोक्ष है कि आपके भवन के दीवाल भित्ति के बाहर कोई पुरुष खड़ा हुआ है, ऐसे परोक्ष है आपका ज्ञान। महात्मा सारस्वत सागर जी जैसे भित्ति यानी दीवाल के पीछे भाग में कोई पुरुष खड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे आपकी आत्मा में मत्स्य ज्ञान पीछे खड़ा हुआ है? तो समझाने वालों को विवश से समझाना चाहिए, ये मत्स्य ज्ञान परोक्ष से तात्पर्य कोई पीछे खड़ा हुआ नहीं है, कोई संध्याचल विन्ध्याचल गिरनार और सम्मेश कर्म जैसे दूरियां हैं, बिंदगिरी पर्वत जैसे चंद्रगिरी पर्वत पर जैसे दूरियां हैं गोमटेश्वर में, ऐसे ज्ञान में भिन्नत्व तो नहीं है। और आरावलियों की पहाड़ियां यानी बिंदगिरी की पहाड़ियां, सतपुड़ा की चट्टाने, क्या ऐसे अंतर है इनमें? क्या यूं कहूं, क्या चिम्बल की बिहड़ों में और यानी सतपुड़ा के जंगलों में, या फिर
या फिर 52 गजा के उन जंगलों में पर्वतों पर जिसको श्री राम ने सीता का हरण कहाँ करवा दिया? दंडक वन में जैसे दूरियां हैं, जैसे दंडक वन की दूरी और चंबल की घाटियों की दूरी, ऐसे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और आत्मा की दूरी नहीं है। बराबर, तो फिर परोक्ष क्यों? परोक्ष क्यों? सामने दिखने वाली वस्तु को भी परोक्ष कहा जाता है। ये पेंसिल में देख रहा हूं परोक्ष ज्ञान से, ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। ये पेंसिल में देख रहा हूं परोक्ष ज्ञान देख रहा हूं, प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूं। यही आपको समझना है। जब श्रमणों ने, जैनों ने इस शब्द का प्रयोग किया कि हमको पेंसिल परोक्ष दिख रही है, तो सामने मीमांसक, चार्वाक, न्यायिक, वैशेषिक, सांख आदि दर्शन बौद्ध कहते हैं जैनियों से ये कितनी असत्य बोल रहे हैं, सामने की वस्तु को परोक्ष बोल रहे हैं। क्योंकि जगत ने जो उस परोक्ष की परिभाषा बनाई है वो पीठ पीछे की बात की। जगत ने परोक्ष की जो परिभाषा बनाई, क्या बनाई? पीठ पीछे। जो अदृश्य है, दृश्यमान नहीं है, उसे परोक्ष कहा है। बहुत अच्छा है, आज आपको विशेष मन में आ रहा है और कितनी बड़ी तुम्हारी भूल ठीक होगी। अदृश्य को परोक्ष कहा है, अदृश्य को परोक्ष कहा है जगत ने, परंतु हमने जो स्यादवा शासन में जो परोक्ष की व्याख्या की गई है, पर परोक्ष 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 अक्ष यानी इंद्रिया, अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी इंद्रिया, अक्ष यानी आत्मा। जो आत्मा इंद्रिया जो है, इंद्रिया जो है ध्रुव इंद्रिय जो है, ध्रुव इंद्रिय है, ध्रुव मन है, ये नहीं आत्मा। सभी ब्रह्मचारी गण देखो बेटा, ध्रुव इंद्रियां है, ध्रुव मन है, ध्रुव वचन है, ये नहीं आत्मा। शरीर भंग, शरीर भंग मनहा प्राणा पान पुद्गलना, शरीर वचन मन ये पौद्गलिक है। जो पौद्गलिक है वो चित्त स्वभाव नहीं है, जो चित्त स्वभाव नहीं है वो चेतन नहीं है, जो चेतन नहीं है वो पर वस्तु, जो चेतन नहीं है वो पर वस्तु। दोषी जी, मित्र ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे मेरी संपत्ति है। बोले कहां से आई? बोले मेरे पुण्य से आई है। ठीक, ऐसा आप उसे क्या बोलना, ऐसा आप पुण्यवादियों के पास ही जाके बोलना, ऐसा विशुद्ध सार पास जाके बोल मत देना, उससे ऐसा कहना। बोले क्यों? बोले उनके पास मत बोल देना। बोले क्यों? बोले इसलिए उनके पास जाओगे वे पूछेंगे ये पेंसिल कहाँ से आई? बोले मेरी है। तेरे पास कहाँ से आई? अरे मेरे पैसे से आई। तेरे पास पैसा कहाँ से आया? मैंने कमाया है। कैसे कमा लिया? अपने पुण्य से कमाया है। ठहर भाई, जिस पुण्य से तूने पैसा कमाया है इसलिए तू इस पेंसिल को अपना बोल रहा है? बालक बालक समझ ज्ञानी, पेंसिल तेरी कहां से आ गई? विशुद्ध सागर तो तेरे पुण्य को ही तेरी वस्तु नहीं मानते, अब बोल क्या बोलेगा? आपके पुण्य को ही हम तुम्हारी वस्तु नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है, सिद्ध परमात्मा, उनके पास न पुण्य प्रकृतियां हैं न पाप प्रकृतियां हैं। पुण्य पाप उभय प्रकृतियों का जब छेद करेगा जीव,
तब सहज स्वरूप को प्राप्त करेगा। अब सोचिए कहाँ की कल्पनाओं में डूबे हाथी साहब, ज्ञानी मुझे इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरे लिए आदर नहीं दिया। है ज्ञानी, तुझे आदर कौन दे सकता है? जो भी तुझे आदर दिया जाएगा उससे तुझे मन में मान आएगा 100%। जो भी आपको आदर दिया जाएगा उससे आपको मान आएगा, वो मान जो आएगा ये आत्मा का अपमान होगा। यदि आपको निज आत्मा का अपमान कराना हो तो जगत से आदर लेने की भीख मांगो। ओ धिक्कारों जीवों को जो सम्मान के पीछे घूम रहे, निज भगवान आत्मा का अपमान कर रहे। सम्मान चाहिए तो रत्नत्रय को धारण कर लीजिए, ये आपके द्वारा निज की आत्मा का सम्मान होगा। अपमानों के लिए लोग झगड़ रहे हैं। जैनत्व का बोध नहीं है लोगों को, जैनत्व का बोध नहीं लोगों को। जो तत्व विद्या है, तत्व ज्ञान है, वो सम्मानों के लिए नहीं है, पराश्रय भाव। चिद ब्रह्म का सम्मान अरविंद भैया ये क्या आपका करेंगे? मेरे चित्त में किंचित भी 25 कसाई का विकल्प ना पाए, यही मेरी ध्रुव भगवान आत्मा का सम्मान है। यही सम्मान है, बाकी सब अपमान है। कसाई नौ कसाई के बल पर जीने वाले लोग जगत में बहुत। आपको धर्म के लिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है कसाय नो कसाय की भेंट दे करके। आओ कमल भैया, वहां आपके लिए बहुत अच्छा स्थान दिया जाएगा। मित्र 4-6 बार नाम बुलवा दिया जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि हमसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, मित्र तुम कहाँ चले गए हो? जो नाम कमल तेरा है वो माँ ने पिता ने दिया होगा, शब्द नय का विषय है। और तुम समझ रहे कि मैं कमल हूं, एक ज्ञान नय का विषय है। वो कमल जो होता है वो तालाब में होता है, वो तू है नहीं है। कमल जो होता है तालाब में होता है, वो तू है नहीं मित्र। जो आप हो वो कमल नहीं हो। तो फिर ये शब्द के लिए पा करके, और यदि आप अपने आप को कमल मानते भी हो तो ये देह का नाम है। संज्ञा तो शरीर को दी गई है, आपकी भगवान आत्मा को संज्ञा कहाँ दी गई है? ओ मेरे मित्र, इस देह के कमल नाम पर इतने हम त्रास खा गए कि आप पराश्रय भाव में सुपरांतरम का बोध नहीं कर सके, भावांतर क्षेत्र का निर्णय नहीं कर पाए। नमः समय साराय पर दृष्टिपात नहीं गया, आपने कमल में इतने प्रविष्ट हो गए। कमल नाम नहीं मिला तो मित्र तुम कसाय से लिप्त हो गए, जबकि निर्णय होना चाहिए था। तीन तीन बार प्रतिगुण कर रहे हो, अपने कमल नाम का प्रतिज्ञा नहीं कर पाए तो प्रतिगुण किसका? विश्वास मानो कमल भैया, मैं विशुद्ध सागर नाम का प्रतिज्ञान करके सोता हूं। ये विशुद्ध सागर मैं नहीं हूं, विश्वास मानिए। ये तो आज से विराग सागर ने एक व्यवहार चलाने के नाम दिया है।
जो दिया है वो असमान जाति पर्याय का है। जो मैं हूं ना, उसमें तो मैंने बहुत खोज की, आगम ग्रंथों को खोज की कि मेरी आत्मा का नाम कौन सा हो सकता है। तब तो श्री समय साज में 49 नंबर की गाथा में मुझे मिल गया कि नाम तुम्हारा क्या हो सकता है। ऋषिमरुमगंधम अवतवम चेद्रागुणम सिद्धम जाने रंग गिड़म जीवन ठाडम। श्री सुमेश सर जी मिल गया, प्रवचन सर जी मिल गया, पंचासी काय मिल गया और काठो उपनिषद में मिल गया, कठोपनिषद में मिल गया। मैं समझ गया अनुमान अनुमेय, उपमान उपमा, नाम धेय, ये सब का सब संज्ञा कर्म है, नहीं आत्मा का धर्म। अरिस अरूप अगंध अवक्तव में अलंग ग्रहण में नाम कहां से आ गया? अनंग ग्रहण में नाम कहां से आ गया? इसलिए ज्ञानियों, सारे मुनिराजों से कहना है, जब मैं विशुद्ध सागर को विशुद्ध सागर नहीं मानता हूं, उनसे कहता हूं विशुद्धि की ओर बढ़ो, विशुद्ध सागर में मत चिपको। फिर आपको जो नाम दिए गए मात व्यवहार के लिए दिए गए हैं, इन नामों के पीछे अपने भगवान आत्मा को धूमिल नहीं कर लेना। ए मोक्ष मार्ग तब प्रारंभ होगा, कमल हाथी सहा जैसे परपूर्ण पेट भर जाने के बाद। फिर भैया रूबा वाला कहता, कमल भैया दो तीन पूड़ियां और खा लो, तो फिर तुम यूं करते, नहीं नहीं भैया हटाओ हटाओ हटाओ, मतलब थाली की पूड़ियां खाने के लिए हम बोल चुके हटाओ हटाओ, नहीं खा सकते। ऐसे अपनी प्रशंसा की थाली कब भरेगी, जब अपनी सुनना हो गई पूरी। तेजी उदर पूर्ण होने पर पुनः एक ग्रास भी रखने को तुम स्वीकार नहीं करते हो, ऐसे यशा कीर्ति के लिए स्वीकार जब नहीं कर पाओगे, तब कहीं समाधि पा पाओगे, अन्यथा यशा कीर्ति की भूख में समाधि भंग हो जाएगी।